नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। सिंगू बॉर्डर पर कल से ही तनाव का माहौल है। स्थानीय लोग अब किसानों के विरोध में आ चुके हैं। उनका कहना है कि बॉर्डर को खाली करो, हम खालिस्तानी समर्थकों और देश विरोधियों को यहां नहीं रहने देंगे। सिंगू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों और किसानों के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है और दोनों के बीच अब टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच यहाँ हालत अचानक से बिगड़ गए और एक शख्स ने तलवार निकाल ली, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठियां भाजनी शुरू कर दी। अब तलवार को रोकने के लिए पुलिस के जवान भी तैयार है। इस बीच एक खबर ये भी सामने आ रही है कि तलवार वाले शख्स को रोकते हुए SHO अलीपुर घायल हो चुके हैं। यह भी हालिया खबर है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पुलिस वालों ने एक शख्स को काबू में किया और उसे हिरासत में लिया गया है, और इसके लिए पुलिस को इस बार बल का भी प्रयोग करना पड़ा। हालात ज्यादा खराब ना हो इसलिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। किसानों और स्थानीय लोगों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है और इसके मद्देनजर पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। अभी कहा जा रहा है कि हालात नियंत्रण में है और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच कुछ किसान हाथों में सफेद झंडा भी नजर आए और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शांति के पथ पर हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी को हुए कांड के बाद लोग काफी गुस्से में हैं। लोगों का कहना है कि देश का अपमान करने वालों का सम्मान नहीं किया जाएगा, इसलिए स्थानीय लोग जो अभी तक किसानों के समर्थन में थे वो अब विरोध में उतर चुके हैं। शुक्रवार सुबह से ही दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे। यहां पर तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए गए और तुरंत हाईवे खाली करने की मांग की गई। गौरतलब है कि कल यानी गुरुवार को भी स्थानीय लोगों ने सिंगू बॉर्डर पर धरने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इन लोगों ने खुद को हिंदू सेना का बताया था और कहा था कि लाल किले पर तिरंगे का जो अपमान हुआ है उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।